यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। जब बाबुल का राजा नबुखदनेस्सर यहोयाकिम के पुत्र यहूदा के राजा यकुन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुए करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के दो टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जैसे अच्छे अंजीर को, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा, परंतु बनाऊंगा और उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा, और मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। और जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा सिदकियाह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा, और मेरे छोड़ने के कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उन सभों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में वे इस देश में से, जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया, मिट जाएंगे।